तो वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। भाई साहब आज आपका स्वागत है हमारे दोबारा किसी और नए ब्लॉग में, ठीक है। और भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको लगातार ब्लॉग मिलते रहेंगे, ठीक है ना, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ के आपको ब्लॉग देते हैं। और ऐसे ही आज का भी ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है। और वीडियो को आप स्किप मत करना, ठीक है। इस चीज़ को मैं ज़रूर बता देता हूँ क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आपको मैं दिखा सकता हूँ कि मैं जहाँ आया हूँ, ये आया हूँ मैं साइंस म्यूज़ियम में, ठीक है। साइंस म्यूज़ियम में मैं आया हूँ और भाई मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ में आप देख सकते हो सोनू सभा ब्लॉग है, सोनू है और सभा है, और भाई वो भी ब्लॉग बना रहे हैं अपना। और भाई आज हम आपको कराएंगे पूरा का पूरा टूर साइंस म्यूजियम का, ठीक है ना। तो भाई बने रहना ब्लॉग पर। तो भाई मेरे साथ है सोनू भाई और सभा, ठीक है। आज हम तीनों के तीनों आपको ब्लॉग दिखाएंगे, ठीक। और ये ब्लॉग आपको मेरे चैनल पर मिलेगा और इनके चैनल पर मिलेगा, ठीक है ना। और हम आए हुए हैं साइंस म्यूजियम में, चलते हैं और आपको ब्लॉग का पूरा इन्जॉय कराते हैं। ओह कैमरा मैन पीछे पीछे जा रहे हैं तुम्हारे, चलते रहो। और भाई साहब ये आ गए हम साइंस म्यूजियम में, ठीक है, देख सकते हो आप, ये हम आ चुके हैं साइंस म्यूजियम में। यहाँ होगा टिकट, चलो भाई टिकट ले लिया आपने, एक सेकंड। हेलो भाई, अंदर घुसते के साथ आपको ये दिखाई देगा, ये जादुई नल है, ठीक है। अब देख सकते हो इसमें, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप गौर से देखोगे तो, ये देखो, ठीक है ना, आँखों का भरावा और समझने का। और वाटर है इसमें, भाई खड़े हो ऐसे नहीं, खड़े रहो, उतरो के कमा करे हो। ये भाई देखो, ये जो है बताता है तुम्हारा कि तुम्हारी बॉडी में वेट कितना है और वाटर कितना है, ठीक है। अब देख सकते हो वेट इसमें कितना बता रहा है और वाटर कितना बता रहा है, अभी हम भी चेक करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब सोनू भाई का नंबर आ गया, सोनू भाई के अंदर देखते हैं कितना वहाँ बता है, कितना कम वेट हो गया तेरा भाई। 47 किलो वजन और 28 लीटर पानी है इसके अंदर, वाह बढ़िया बात है। अंदर 55 किलो 84 ग्राम 33% पानी है इनकी बॉडी में भाई, देख रहे हो। ये वाटर एंड सोसाइटी भाई, ये चीज़ दर्शाता है आपको कि भाई सोसाइटी में वाटर की क्या अहमियत है और कैसे वाटर को ख़राब किया जाता है, ठीक है, और कैसे वाटर को बचाना है, ये उसको दर्शाता है। इन्हें देखते रहो बस। अंदर बैठा दे फिर इसके, बोलो हरामी हो। तो देख सकते हो भाई कितनी प्यारी प्यारी, यहाँ पर देख लो फिश हैं, ये एक से एक हैं। ये कुछ ऐसा है समुद्री जल जीवशाला, वहाँ भाई समुद्र में अंदर ये मिलती है। और भाई ये देख सकते हो आप, यहाँ पर एक बॉल है, वो बॉल घूमती रहती है सारे में, ठीक है ना, इन सारे में वो बॉल घूमती रहती है इधर, वो रही वहाँ नीचे, अभी लाइट नहीं मतलब बंद कर रखा है भाई उसका जुगाड़, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ देख सकते हो आप क्या बॉल ट्रेन में चलती है, बॉल तो वहाँ है ना, वो नीचे है, ये कुछ और जुगाड़ है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं, इतनी बड़ी बॉल थोड़ी, अब एक बार बताइए उसमें इतनी बड़ी बॉल आ जाएगी? हाँ वो छोटी नहीं ना उस पाइप पे, हाँ उसमें, ये इधर का जुगाड़ है देख के। तो भाई देख सकते हो आप, आने वाले फ्यूचर के दो ब्लॉगर हमारे सामने जा रहे हैं अपने ब्लॉग को अंजाम देते हुए, और यहाँ पर हम पीछे पीछे जा रहे हैं। चेतावनी, यह क्षेत्र 24 घंटे कैमरे की निगरानी में है, वार्निंग दिस परमिशन अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। अब देख सकते हो भाई, वाह मज़ा आ गया। तो भाई यहाँ पर आप पढ़ देना, मुझे तो पता नहीं क्या है, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे नोटिफिकेशन सा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना।
खोले पूरे में घूमती रहती है। देखो ये चल रही कहाँ है, घोड़े नीचे भाई, फोन मत फेंक दो नीचे, अगर देख सकते हो और वो घूम रही भाई, ये बोल है ना सारे में घूमती रहेगी पूरे में, ठीक है भाई। तो एक ये गोलियाँ ऊपर आ रही है देखो, अब ये ऊपर जाके ओ भाई ये घूमेगी, ये देखो वो पहुँच गई, आप तो आओगे बड़े बड़े, लेकिन बच्चों के लिए बहुत एंटरटेनमेंट से भरपूर जगह है और साइंस की नॉलेज मिलेगी बच्चों को बहुत आपके सीखने के लिए, तो आपको एक बार तो जरूर आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ देख सकते हो आप, तो चले आगे चले और फुल चलेगी, अच्छा जब पानी लगेगा इसमें, ठीक है। और भाई ये मैडम क्या कर रही है, ये मैडम कपड़े बना रही है, ठीक है, कपड़े वगैरह बना रही है देख सकता हूँ, कॉटन एंड टेक्सटाइल्स, ठीक, कॉटन एंड टेक्सटाइल मतलब ये कॉटन वगैरह के जो कपड़े वगैरह बनते थे वो देखो कैसे बनते हैं, ऐसे बनते थे वो कपड़े, ठीक है, ऐसे बनाए जाते थे। ये यहाँ पे चरखा लगा हुआ है, ठीक है, इस चरखे में को भी कपड़े मतलब धागे वगैरह बनाया करते थे, ठीक है, देख सकते हो आप। जैसे ये देखो भाई साहब, यहाँ पे पहले ऐसे ना कॉइन वगैरह जो बनते थे ना, जैसे सिक्के वगैरह हो गए, पैसे वगैरह जो बनाते थे, ये देख सकते हो कि कैसे कैसे कॉइन बनाने की वो प्रक्रिया बनाई हुई है। यहाँ पे कॉइन बन रहे थे, यहाँ पे गुप्ता पीरियड कॉइन्स, ठीक है, पोस्ट गुप्ता पीरियड कॉइन्स, मतलब बहुत सारे कॉइन थे यहाँ जो बनते थे। ये देखो ये पिघलाने के डालते थे उसके अंदर, वो भट्टी हो गई, ये डाइया वगैरह हो गई इनकी, ठीक है, वो तराशने वाले हो गए, तो मतलब सही तरीके का काम होता था पहले, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ नहीं होता था। और यहाँ आ जाते हैं भाई एसेंट ग्लास टेक्नोलॉजी, तो भाई ये जो है ग्लास टेक्नोलॉजी है, मतलब कि कांच से बनने वाला आइटम है, जो जैसे कांच से बनाया करते थे, ठीक है, और ये उनके यंत्र हैं वगैरह, मतलब जिस चीज़ से उसको बनाते थे औजार वगैरह, ये देख सकते हो आप ये रहे, और इस भट्टी के अंदर ये पिघलाए जगह वगैरह जाते थे, वो देख सकते हो जैसे हम पिघला रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा उसमें यहाँ पे बताया गया है कि कैसे गिलास वगैरह को पिघलाया जाता है और उससे अनेक रंग और कृतियाँ दी जाती है उनको। और ये भाई देखो, ये भाई इनके औजार वगैरह हैं, ठीक है, जो भी इसमें इस्तेमाल होते हैं वो औजार वगैरह हैं। ये है भाई छोटी सी तोप, और ये बना हुआ है लाल किले का नज़ारा है कुछ, ठीक है, अब साइंस म्यूजियम में भी आपको लाल किले का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। ये तोप है, फिलहाल तो इसमें गोले नहीं होंगे इसलिए हम इसको चला नहीं सकते, बाकी हम नज़ारा देख सकते हैं इसका, देख सकते हो आप। देख सकते हैं ये भी तोप वगैरह का आइटम ही है, ठीक है, सामान ये जो रहता है, तपाकर बनाई गई तोप, ठीक, कास्टिंग ऑफ कंपोसाइड, ये देख लो ऐसे मतलब ये बनती थी इनमें। और भाई ये भी बड़ी वाली तोप, पोर्टेबल कैनन, ठीक है, वुड क्राफ्ट है भाई ये, देख लो ये जो लकड़ी वगैरह से होता है ना उससे सजाई गई चीज़ है, देख लो क्या फिनिशिंग हो रही है इसमें, इतनी मस्त तरीके से बना रखी है भाई कि पूछो मत ना यार, ठीक है। और आप आके देखोगे ना तो यार ये आने से ज़्यादा बुझाता चले, ये भाई ये पुराने ज़माने के देख सकते हो आप, ये संगीत वगैरह के इंस्ट्रूमेंट है, इतारा वगैरह है, बांसुरी वगैरह है, ये देखो हुक्का रखा है, ठीक है, गिटार रखा हुआ है, हैं माइक लाया हूँ, और ये देख सकते हो, जब भी यहाँ पर आए अपने बच्चों को नॉलेज दे, और मैं भी अपने बच्चों को साथ में लाया हूँ, इनको नॉलेज दे रहा हूँ साइंस की, ठीक है, नहीं। का ताजमहल देख सकते हो आप, कितना बेहतरीन लग रहा है आगरे का ताजमहल, ठीक है,
ये देख सकते हो आप आगरा का ताजमहल कितना मस्त लग रहा है। और भाई मैंने अभी आज ही ऐसे ही देखा है, ठीक है ना। तो भाई अब हम एंट्री करने जा रहे हैं दूसरी वाली जगह पर, जैसे कि आप देख सकते हैं द मिरेकल ऑफ ह्यूमन लाइफ, और हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और चलते हैं भाई अंदर, ठीक है चलते हैं।